हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो ऑन डेली सीरीज वोकैबुलरी फॉर एसएससी सीजीएल। और आज का रूट वर्ड रहेगा मोनो। तो सबसे पहले देखते हैं मोनो का मीनिंग क्या होता है। तो मोनो का मीनिंग होता है वन। जहां पे मोनो एज ए प्रीफिक्स यूज होता है उसका मीनिंग होता है वन। तो जो सबसे पहला वर्ड इसे बनता है वो है मोनोक्रोम। तो एज यूजुअल डेली की तरह अपन आज भी वर्ड्स को रूट वर्ड्स में ब्रेक करेंगे और फिर उनका मीनिंग्स देखेंगे। तो मोनो जैसा कि मैंने बताया मीनिंग वन, एंड क्रोम क्या होता है कलर। जो आपने आजकल जैसे व्हीकल्स में भी देखा होगा, कार्स में होता है क्रोम बोलते हैं, क्रोम गार्निश होता है। तो क्रोम क्या है? नथिंग बट रिलेटेड टू कलर। तो मोनोक्रोम क्या होगा? कंसिस्टिंग ऑफ और डिस्प्लेइंग ओनली वन कलर। कोई भी चीज जिसमें कोई भी फोटोग्राफ है या वीडियो है जो एक ही कलर का है उसको मोनोक्रोम बोलेंगे। हिंदी में ऑब्वियस है, एक रंग का इसका मीनिंग होता है। जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हो, आसान भाषा में आप उसको ऐसे समझ सकते हो कि मोनोक्रोम क्या है। जैसे ब्लैक एंड व्हाइट फोटोज या वीडियोज होते थे तो वो मोनोक्रोम है। बस यहाँ पर एक ही फर्क है कि ब्लैक एंड व्हाइट फोटोज क्या सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट कलर में ही होती थी, मोनोक्रोम अलग कलर में हो सकता है। लाइक ब्लू टिंज का भी हो सकता है, पूरा ब्लूइश कलर में भी हो सकता है, या फिर पिंकिश कलर में हो सकता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है मोनोगेमी। अगर आपने मेरा मोनोगेमी गेमी रूट वर्ड वाला वीडियो देखा होगा तो आपको इस वर्ड का मीनिंग जरूर आता। तो मोनो मीन्स वन, गेमी मीन्स फॉर्म ऑफ मैरिज। तो मोनोगेमी क्या होगा? द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग ओनली वन स्पाउस एट ए टाइम। स्पाउस का मीनिंग आपको पता है फ्रेंड्स, स्पाउस मतलब अगर हस्बैंड है तो वाइफ उसका स्पाउस होगी, वाइफ है तो हस्बैंड स्पाउस होगा। मतलब स्पाउस वर्ड आपने यूज किया तो आपको दो अलग अलग वर्ड यूज करने की जरूरत नहीं है, हस्बैंड और वाइफ। तो इसका हिंदी में मीनिंग है एक ही बार विवाह करने की। आप इसको यहाँ से भी देख सकते हो पिक्टोग्राफ से, ये पुरुष एक महिला से शादी कर रहा है तो ये मोनोगेमी है। दूसरी तरफ यह व्यक्ति पांच महिलाओं से एक साथ शादी कर रहा है तो ये पॉलीगेमी का एग्जांपल है। और जो मेरा इस पे लेक्चर है, गेमी रूट वर्ड पे लेक्चर है, उसको मैं आई बटन पे इंक्लूड कर रहा हूँ। अगर आपको वो देखना है तो आप आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है इसी सीरीज में मोनोलॉग। तो मोनो मीन्स वन, लॉग मीन्स स्पीच। जहां पे भी रूट वर्ड एल ओ जी यू ई लॉग आता है उसका मतलब स्पीच ही होता है। तो इसका मीनिंग क्या होता है? लॉन्ग स्पीच बाय वन पर्सन ड्यूरिंग ए कन्वर्सेशन और परफॉर्मेंस। अगर कोई मूवी आप देख रहे हो उसके अंदर एक जो एक्टर है वो कंटिन्यूस पांच मिनट के लिए खुद ही स्पीच दिए जा रहा है, या फिर कोई ड्रामा है उसके अंदर एक व्यक्ति स्टेज पे आके वही स्पीच दी जा रहा है कंटिन्यूअसली, किसी और को बोलने का मौका नहीं मिल रहा है, तो उसको हम बोलते हैं मोनोलॉग। और हिंदी में इसको बोलते हैं एक कलाप। आप इसको इस पिक्टोग्राफ से देख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है मोनोलिथ। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड है। मोनो का मीनिंग आपको पता ही है। लिथ वर्ड जहां पे भी यूज होता है उसका मतलब हमेशा ही स्टोन होता है। लिथ अपने आप में एक रूट वर्ड है, इस पर भी मैं किसी दिन एक वीडियो लेक्चर बनाऊंगा। लिथ वर्ड से आपने सुना होगा, जैसे अर्थ की लेयर्स के बारे में पढ़ते हैं अपन ज्योग्राफी में, तो लिथोस्फेयर एक लेयर होती है जो ऊपर की 100 किलोमीटर्स की जो लेयर होती है, तो उसको हम लिथोस्फेयर बोलते हैं। तो वो उसमें भी रूट वर्ड लिथ भी स्टोन से ही बना हुआ है। तो मोनोलिथ का मतलब क्या होगा कि ए लार्ज सिंगल अपराइट ब्लॉक और पिलर ऑफन ऑफ स्टोन। एक बड़ा पिलर जो एक ही स्टोन से बना, एक ही स्टोन या रॉक का पार्ट है, उसको हम मोनोलिथ बोलते हैं। हिंदी में इसका मीनिंग होता है एक कास्ट। जैसे कि आप इस वीडियो से देख सकते हैं कि ये वीडियो है अशोक स्तंभ सारनाथ का, जहां से अपने स्टेडियम जो अपने स्टेडियम उठाया गया है वो वहीं की है। तो इसकी खास बात क्या है कि नीचे से लेके ऊपर तक एक ही स्टोन से बना हुआ है, ना कि अलग अलग स्टोन को तोड़ के उनको चिपका के या उनको सीमेंट करके बनाया गया है। इसी तरह आपने पढ़ा होगा कि एलोरा गुफाओं के बारे में, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको ये जरूर पता होगा कि उनके उसके अंदर फेमस कैलाशनाथ के टेम्पल है। तो जो कैलाश टेम्पल है उसकी खास बात क्या है? उस कैलाश टेम्पल को हम आर्किटेक्चरल वंडर ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? कि वो पूरा एक ही स्टोन का बना हुआ है, उसमें अलग अलग स्टोन को यूज नहीं किए गए। जो माउंटेन का जो हिल का जो स्टोन था उसको कार्व करके चिजल करके बाकी मटेरियल को निकाला गया था, तो वो अपने आप में एक ही पत्थर से बना हुआ पूरा टेम्पल है।
अगर आप करंट अफेयर्स और या फिर भारतीय कला या संस्कृति पढ़ते रहते हो तो कमेंट करके बताइए कि एलोरा गुफाएं कहाँ स्थित है। नेक्स्ट वर्ड है मोनोपोली। अगर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी है तो आपको यह वर्ड जरूर पता होगा। मोनो मीन्स वन, पोली मीन्स सेलर। इसका क्या मीनिंग है? द एक्सक्लूसिव कंट्रोल ऑफ द सप्लाई ऑफ ट्रेड इन ए कमोडिटी और सर्विस। कोई भी सर्विस या कमोडिटी कमोडिटी या गुड्स में सप्लाई करने का एक ही व्यक्ति के पास अधिकार हो, एक ही कंपनी के पास अधिकार हो, तो उसको मोनोपोली बोलते हैं। हिंदी में इसका मतलब है एकाधिकार। और हमें ये भी देखने को मिलता है कि आज के टाइम तो बहुत कम चीज़ों पे मोनोपोली है। पहले जब लोगों की किसी एक वस्तु पे मोनोपोली होती थी तो अक्सर वो लोग उसको उसकी कीमत बढ़ा देते थे, आर्टिफिशियली प्राइस बढ़ा देते थे, क्योंकि मार्केट में कंपटीशन नहीं होता है। आज के दिन इसीलिए ज़्यादातर गवर्नमेंट्स मिक्स्ड इकोनॉमी है और इसीलिए मोनोपोली कम ही देखने को मिलती है। मोनोपोली कुछ कुछ सेक्टर्स में देखने को मिलती है, जैसे इंडिया में यूरेनियम से रिलेटेड इंडस्ट्रीज है। यूरेनियम कौन मैन्युफैक्चर कर सकता है, माइन कर सकता है, तो वो कौन है? गवर्नमेंट। तो इन सेक्टर्स में मोनोपोली किन की है? गवर्नमेंट की मोनोपोली। नेक्स्ट वर्ड मोनोकल्चर। मोनोकल्चर को हम कैसे बायफर्केट कर सकते हैं? मोनो मीन्स वन एंड कल्चर, यहाँ पे कल्टीवेशन प्रैक्टिस की कल्चर है। तो मोनोकल्चर का मीनिंग क्या है? ग्रोइंग ऑफ ए सिंगल क्रॉप इन ए पर्टिकुलर एरिया। एक सिंगल क्रॉप को लंबे चौड़े एरिया में, लाइक हजारों एकड़ एरिया में वही बोना, उसको हम बोलते हैं मोनोकल्चर। हिंदी में इसका मीनिंग है एकल कृषि। जैसे कि आप स्पेक्ट्रोग्राफ से देख पा रहे हैं कि काफी एरिया में सिर्फ गेहूं ही बोया हुआ है। तो ऐसा अक्सर कहाँ देखने को मिलता है? जैसे प्रेरीज में देखने को मिलता है, पंपास में देखने को मिलता है, स्टेपीज में देखने को मिलता है कि स्टेपीज में गेहूं की खेती लंबे चौड़े एरियाज में होती है। अगर आप करंट अफेयर्स से में वर्ल्ड ज्योग्राफी भी पढ़ रहे हो या आपको पता है तो कमेंट करके बताइए कि पंपास, प्रेरीज, स्टेपीज ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। इंडिया में भी आप लोगों ने देखा होगा कि जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए तो उन्होंने अलग अलग प्लांटेशन एग्रीकल्चर स्टार्ट किए। प्लांटेशन एग्रीकल्चर किसको बोलते हैं? कि अलग टाइप के ट्रीज, कमर्शियल क्रॉप्स को प्लांट करना लंबे चौड़े एरियाज में। जैसे उसका एग्जांपल है कि कर्नाटका की तरफ उन्होंने रबड़ की कल्टीवेशन चालू की, कॉफी भी वहीं स्टार्ट किया, टी की कल्चर कल्टीवेशन उन्होंने हिली एरियाज असम वगैरह में स्टार्ट किए, तो उसको हम प्लांटेशन एग्रीकल्चर बोलते हैं। वो भी देखा जाए तो एक मोनोकल्चर का ही टाइप है। नेक्स्ट वर्ड है मोनोटोनस। मोनोटोनस वर्ड का मीनिंग आपको पता होगा, बट ये इसलिए यहाँ इंक्लूड किया कि आपको वर्ड को देखते ही ये हैबिट बन जानी चाहिए कि इसको रूट वर्ड्स में ब्रेक करना है। अगर किसी वर्ड के दो या तीन रूट वर्ड हैं, उसमें से अगर आप एक रूट वर्ड का मीनिंग निकाल पाते हो तो चांसेज हैं कि आप क्वेश्चन में, अगर चार ऑप्शन है तो दो को एलिमिनेट करके दो में से एक आंसर मार सकते हो, तो आपको उस क्वेश्चन की करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। तो मोनोटोनस बना है मोनो मीन्स वन, टोनस मीन्स टोन और साउंड। देखिए फ्रेंड्स, कुछ वर्ड्स यहाँ पे आप वैसे भी अंदाजा लगा सकते हो कि टोनस क्या होगा, टोन से रिलेटेड। जैसे कुछ कुछ शब्द जैसे संस्कृत, हिंदी में संस्कृत से लिए गए हैं, तो दोनों में शब्दों का लगभग अर्थ वही है या फिर आप निकाल सकते हैं। ऐसा भी इंग्लिश और लेटिन और ग्रीक फ्रेंच में कुछ कुछ वर्ड्स में होता है, तो उस पर भी आपको ध्यान देना है। तो मोनोटोनस मीन्स नेवर चेंजिंग एंड देयरफॉर बोरिंग। कि एक कोई भी एक्टिविटी जो आप टीवी देख रहे हो, कोई वेब सीरीज देख रहे हो या कोई मैच देख रहे हो, तो उसमें कोई अप एंड डाउन ही नहीं आ रहा है, एक सीक्वेंस में चला जा रहा है। जैसे आप क्रिकेट मैच देख रहे हो, उसमें 10 ओवर डाल दिए, हर ओवर में बैट्समैन 2 या 3 रन लेके वही चल रहा है, ना कोई आउट हो रहा है, तो आप खुद क्या बोलोगे कि मैच नीरस हो गया है। तो यही मोनोटोन। चलिए फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में इतना ही। अगर कंटेंट अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि ऐसे वीडियोज बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। अगर आप लोग लाइक करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा और ज़्यादा ऐसे वीडियोज बना के टाइम पे डालने का, और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।